Hello everyone, these are the vocabulary exercises of chapter 4, the refugee. And this is question number 5. Complete the following sentences taken from the story. Part A. I called my mother Amma and my friend called his mother Manji. Part B. The town of Rawalpindi was the whole world for Manji. Part C. You know a horse has neither religion nor caste. Part D. And suddenly she is silent, tears bubbling up in her tired old eyes. These sabhi sentences आपको स्टोरी के अंदर से ढूंढ के लिखने थे. देन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस. फाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग. मतलब साइनोनिमस वर्ड्स हमें लिखने हैं इसके अंदर जिसका मीनिंग इनके साथ सेम आता है. पार्ट ए. डिस्प्लेस्ड. डिस्प्लेस मतलब किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना. सो वी कैन से ब्लोन अवे. पार्ट बी. इनहेरिटेड और वी कैन से एंसेस्ट्रल. एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी जो चीज़ें आपको अपने एंसेस्टर से मिली होती है उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड. पार्ट सी. मॉर्नफुल. मॉर्नफुल मीन्स सोरोफुल या फिर दुख भरा. पार्ट डी. ग्रैटिफाइड. ग्रैटिफाइड मीन्स कोई जब प्रसन्न होता है या फिर संतोष होता है, मतलब दैट पर्सन इज सेटिस्फाइड. तो वी कैन से कंटेंटेड. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग. अब हमें यहाँ पे विपरीत आतक शब्द लिखने हैं. पार्ट इज कॉमिक. कॉमिक मतलब जो जिससे जिससे आपको हंसी आती है. तो वी कैन से सोरोफुल मतलब दुखी करने वाला. पार्ट बी. स्प्रिंग. स्प्रिंग का हो जाएगा ऑटम. पार्ट सी. क्राउडेड. इसका होता है लोनली. क्राउडेड मींस बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका और लोनली मींस खाली या फिर अकेला. पार्ट डी. सेफ. सेफ इज डेंजरस. पार्ट ई. कोल्ड एंड इनडिफरेंट. कोल्ड एंड इंडिफरेंट मीन्स उदासीन कह सकते हैं उसको हिंदी में. एंड कॉर्डल मीन्स फ्रेंडली. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन एंड एलेबोरेट ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स. पार्ट ए. रेफ्यूजी. सो रेफ्यूजी इज अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स टू लीव हिज और हर कंट्री और होम बिकॉज देर इज अ वॉर और फॉर अ पॉलिटिकल रिलीजियस और सोशल रीजन्स. नेक्स्ट इज कैरवैन. इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद व्हीकल्स ट्रेवलिंग टूगेदर. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू. पार्ट सी. कम्युनलिज्म. A strong sense of belonging to a particular religion, community, etc. Part D. Abandon. Abandon means to leave. So here we finish with the vocabulary exercises. Thank you for watching and have a nice day.